आज हम बनाएंगे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। मैंने पहले सोयाबीन को गर्म पानी में डालकर साफ कर लिया है और थोड़ा सा टमाटर एक पीस और प्याज को बारीक काट लिया है और धनिया। मैंने आलू को उबाल लिया है, इसको अब हम छील लेंगे आलू को और उसके बाद उसको काट लेंगे। आलू को मैंने छील लिया है, इसके बाद हम सरसों का तेल डालेंगे थोड़ा सा कढ़ाई में सोयाबीन को फ्राई करने के लिए। मैं हम सोयाबीन डालेंगे जो गर्म पानी में डाल के रखा हुआ था, इसको साफ करके। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इसको हम दूसरे बर्तन में उतार लेंगे। तड़के के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा इसमें जीरे का तड़का लगा सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं इसमें। इसमें हरी प्याज डालेंगे, जो प्याज काट के रखा था वो डालेंगे हम। लहसुन और मिर्च का पेस्ट हमने तैयार कर लिया था, इसमें थोड़ा सा हल्दी और एक चम्मच गरम मसाला। इसमें टमाटर डालेंगे, आलू को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। इसमें हम मसाले का पेस्ट जो तैयार करके रखा हुआ है उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको बढ़िया से फ्राई करेंगे गहरा भूरा होने तक। इसमें एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे गहरा भूरा होने तक। इसमें आलू जो काट के रखा हुआ था वो डालेंगे और सोयाबीन मिक्स, सोयाबीन भी इसी में डाल देंगे। इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे हम। इसको बढ़िया से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करेंगे ताकि हमारा सोयाबीन जो है अच्छी तरह से पक जाए। इसको हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारी सब्जी ये तैयार हो चुकी है। अब इसको हम 2 मिनट पकाने के बाद इसको उतार लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।